बोध गया बकरौर के मोहम्मद इस्लाम अंसारी गरीब असहाय के बीच बांट रहे खाद्य सामग्री। अब तक 4000 गरीबों के बीच बांट चुके खाद्य सामग्री। बोध गया। लॉकडाउन में चौपट हुए व्यवसाय के बाद अब गरीब असहाय लोगों के बीच खाने की समस्या एक जटिल समस्या बन चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्री को वितरित करने में लग चुकी हैं। वहीं बोधगया बकरौर के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने गरीब लाचार व ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर उनके घर तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने कहा कि बकरौर और आसपास के गांवों में गरीब परिवारों को चिन्हित कर आटा चावल तेल आलू प्याज सोयाबीन के साथ साथ मास्क और कई ज़रूरत के सामान का वितरण मेरे द्वारा किया जा रहा है। उन लोगों को कोरोना जैसे बहुरूपीय वायरस से निजात के गुड़ भी सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 4000 लोगों को खाद्य सामग्री बांटी गई थी और आगे भी ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर खाद्य सामग्री बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कई सालों से गरीब व ज़रूरतमंदों के बीच चिन्हित कर कंबल भी बांटा गया है और 4000 लोगों को खाद्य सामग्री बांटी गई थी। इस साल भी लगभग 4000 लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई है। चल आगे बढ़ रे आगे बढ़ दूरी बना के थोड़ा सा दूरी बना के इसमें आटा है चावल है दाल है प्याज है साबुन है सरसों तेल है और नमक है सरफ है साबुन है मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। और किन लोगों के को बांटा जा रहा है ये आज जो बांट रहे हैं सिर्फ महादलित को। कितने लोगों को? करीब लगभग 450 से ऊपर ही होगा। कहाँ कहाँ बांटा जाएगा? ये बकरौर डी मांझी टोला और कोलनी मांझी टोला और इसके बाद फिर बकरौर में ही जाएंगे हम लोग दूसरे मांझी टोला में दक्षिण साइड का। टोटल आज का 400 से ऊपर बांटने का है जी? आज का 400 से ऊपर बांटने का लक्ष्य है। 450 से पिछले साल भी कोविड-19 संक्रमण में लोगों को बांटे थे क्या? लगभग 10-12 गांव से ऊपर में बांटे थे। कितने लोगों का? लगभग 4500 से ऊपर होगा। 5000-4500 गिनती तो नहीं याद है। इस बार भी कितना आपका इरादा है बांटने का? इस बार लगता है कि 2500 से 3000 कम से कम। बाकी ज़्यादा अपना नाम बताओ परिचय। मोहम्मद इस्लाम अंसारी घर बकरौर है थाना बोध गया जिला गया।